खबरदार जो मुझे हाथ भी लगाया तो। मुझे पता तू मेरी मदद करने नहीं आई है, मारने आई है मुझे। अरे जिसने ये नहीं सोचा कि वो अपनी दोस्त की बच्ची को मार रही है, वो फिर मुझे नहीं छोड़ेगी। परिणीति सीरियल के आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भाई यहाँ पर बबली यानी हमारी परी मैडम की जो बहन है वो परी को समझाते हुए नजर आ रही है कि भाई नीति जो है वो चाल चल रही है, वो जानबूझकर इन दोनों के बीच में आ रही है और जानबूझकर उसने आपको बाथरूम में लॉक किया था। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई हमारी परी जो है अपनी बहन यानी बबली पर काफी ज्यादा नाराज है क्योंकि दुनिया भर से बचाती रही लेकिन खुद के गुस्से से नहीं बचा पाई। मेरी जान बचाते बचाते कब तेरी जान की दुश्मन बन बैठी पता ही नहीं चला। जब कोई मेरे पति को छेड़ने की कोशिश करेगा तो मुझे भी तो बुरा लगेगा। ऑलरेडी यहाँ पर परी ने शक कर लिया था नीति पर, उसने क्यों दरवाजा में बंद किया, बाथरूम में उसे बंद किया। तो यहाँ पर परी ने ऑलरेडी काफी गुस्सा किया था लेकिन आपने देखा ही था कि किस तरह से यहाँ पर नीति मैडम ने दोबारा से परी और सभी घर वालों को मैनिपुलेट कर लिया था अपनी बातों में। और यहाँ पर परी जो है इतनी इनोसेंट है कि वो दोबारा से अपनी नीति की बातों में आ गई। और इस बार किस किस से नहीं लड़ी, ताई जी से लेकर अपनी मम्मी जी तक, राजीव, चंद्रिका, दीप, बबली, सबसे लड़ ली तेरे लिए, तुझे इस घर में रखने के लिए। पर तूने तो अपनी हद ही पार कर दिया, मुझे ही मारने की कोशिश की जा रही थी तू। तूने जो मुझे धोखा दिया है ना नीति, पता नहीं अब शायद मैं कभी चैन से जी भी पाऊंगी या नहीं। काफी गुस्सा है और उसे काफी भला बुरा कहते हुए नजर आ रही है। और यहाँ पर हमारी परी मैडम जो है वो नीति की अच्छाइयाँ गिनवा रही है बबली को, कहती है कि तुझसे भी ज्यादा मुझे मेरी नीति प्यारी है क्योंकि मुझे मेरी नीति पर बहुत भरोसा है। नीति ने मुझे छत दी थी चंडीगढ़ में, नीति की वजह से मुझे राजीव मिला है, मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है। नीति ने ही मेरे बाबू जी से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे कॉलेज जाने दे और सारी अच्छाई नीति के बारे में बताती है कि वो सही कह रही है। तू तुझे चैन से क्या, अब तो तुझे जीना ही नहीं चाहिए परी। दोनों एक दूसरे का हमेशा साथ देते हैं और ये सारी बातें जो है परी अपनी बहन बबली को बताती है। और यहाँ पर हमारी परी मैडम जो है काफी इमोशनल है, काफी गिल्टी फील कर रही है और काफी ज्यादा गुस्से में है कि उसने कैसे नीति पर शक कर लिया। और वहीं आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि भाई हमारी नीति मैडम दूसरी तरफ जो है अपने घर पर है और यहाँ पर वो काफी खुश है क्योंकि फाइनली उसका राजीव जो है उसका हमेशा हमेशा के लिए होने वाला है, यहाँ पर उन दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है। लेकिन उसके मन में ये डर है कि कहीं परी जो है वो उसके ना होने की, मतलब जब अभी वो घर पे नहीं है तो उसे कहीं ना कहीं डर पैदा हो रहा है मन में कि उसके एब्सेंस में वो कहीं राजीव के करीब ना आए। इसीलिए यहाँ पर हम देखने वाले कि वो कोई नई प्लानिंग करेगी इन दोनों को दूर रखने के लिए जब तक शादी ना हो जाती। और यहाँ पर गुरविंदर यहाँ पर साथ देने वाली है नीति का। और इसी बीच यहाँ पर हम देखेंगे भाई गुरविंदर ने वार्निंग दे दी हमारी परी मैडम को कि उससे राजीव से दूर होना होगा क्योंकि यहाँ पर राजीव और नीति की शादी होने वाली है। तो आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिल रहा है कि भाई हमारी परी मैडम को इस बार नेहा मिलती है। जी हाँ, वही बच्ची जिसे सारी सच्चाइयां पता है। और फाइनली यहाँ पर इस बार नेहा जो है सारी सच्चाई परी को बता देगी। वो बताएगी कि भाई आपको नीति की शादी राजीव से नहीं करवानी चाहिए और वो दीदी बहुत गंदी, उन्होंने मुझे चॉकलेट दिया जिसे खाने के बाद मैं बेहोश हो गई और उन्होंने मुझे कमरे में लॉक कर दिया, वार्डरोब में लॉक कर दिया। सारी बातें वो बताती है। इसी के साथ वो ये भी बताती है कि भाई आपको उस दिन कुएं में किसी और ने नहीं बल्कि नीति ने धक्का दिया था। और ये सारी सच्चाई जो है इस बार परी के सामने आ जाती है। भाई हमारी परी जो है वो काफी ज्यादा शॉक में आ जाती है।